हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉर्स कैजेट। हाँ तो गाइस, जितने भी सूर्या सर के फैन है, कंगुवा मूवी के फैन है, तो भाई सब अभी तक आपने कंगुवा का सजल टीजर देख लिया होगा, जहां पर जो तबाही देखने को मिली है भाई साहब, एक अलग ही लेवल का एक न्यू विजन भाई सब रॉर करता हुआ नजर आया इंडियन सिनेमा में। पता नहीं हेटर्स कहाँ कोने में घुस के, लेटरिंग में घुस के, मतलब कि मुंह से हग रहे होंगे। काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई कंगुवा मूवी के बारे में कुछ अपडेट दे दो। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी मेरे चैनल पर नेगेटिविटी करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे आड़े टेढ़े मैसेजेस करते रहते हैं कि हर्ष तेरी कोई भी अपडेट 100% नहीं होती, कोई भी अपडेट मैच नहीं करती, जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है तो सारी की सारी छोटी बातें होती हैं, और मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी हकते रहते हैं। तो गाइज मैं उन लोगों को बता दूं जो अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं ना, तो ये दो अपडेट भाई सब मैं आज से 1.5-2 महीने पहले शेयर कर चुका हूं, जो कि मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और आई थिंक जो भी हेटर्स है भाई सब, उन्होंने सजल टीजर देख ही लिया होगा। तो गाइज मैं सबके बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यार आप वीडियो को यार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, कल जब ऑफिशियल इसका टीजर आया था, सजल टीजर आया था, जो कि काफी छोटा था लेकिन काफी बड़े लेवल की, काफी बाप लेवल की तबाही उसने इंडियन सिनेमा में ढोल के रख दिए। और जितने भी हेटर्स हैं सूर्या सर के, क्योंकि भाई साहब बड़ा मूवी है, तो भाई साहब अब तो बड़े बड़े हेटर होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पैन इंडिया मूवी ने भाई सब इस तरह से नॉर्थ में घुसे, इस तरह से नॉर्थ में घुसे कि बड़े बड़े पता नहीं एक्शन एक्टर, मतलब कि भाई सब कोने में घुस के रो रहे हैं कि भाई सब ये साउथ इंडस्ट्री वालों को हो क्या गया, हमारे घर में घुस के हम ही को मार रहे और हमारी जगह छीन रहे हैं। हाँ तो गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं कंगुवा मूवी की टाइमलाइन के बारे में, क्योंकि भाई सब शॉर्टली लेवल पे अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए भाई सब एक कंक्लूजन छोड़ा था कि भाई सब इस तरह की स्टोरी होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा ट्वीट नहीं है, छोटा सा ट्वीट है, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा आई स्टोरी दैट भाई साहब आप देख सकते हैं। तो गाइस यही वीडियो भाई साहब, ये जो अपडेट है ना, ये जो अपडेट है भाई साहब, मैं आज से मतलब कि कितनी तारीख को शेयर किया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई साहब 16 जनवरी को शेयर किया था, जब अपने सूर्या सर का एक और दूसरा पोस्टर आया था, जहां पर उनके हाथ में टैटू वैटू देखने को मिल रहे थे, इस तरह का हाथ किया हुआ था, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो भाई साहब 16 जनवरी को मैंने ये अपडेट शेयर किया था, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो काफी लोगों को यकीन नहीं होगा, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो भाई साहब उसमें मैंने ये अपडेट शेयर की थी कि भाई साहब दो टाइमलाइन होने वाली है, जो कि एक अलग टाइमलाइन से स्टार्ट होगी और खत्म उस टाइमलाइन स्टार्ट पे होगी। हाँ तो गाइस कंगुवा मूवी की जो टाइमलाइन स्टार्ट होने वाली या फिर एंड होने वाली है, वो 1700 सन से स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि सन 1700 से स्टार्ट होने वाली है, जो कि रन करेगी, जो कि ट्रेवल करेगी, जो कि मतलब कि वॉक करने वाली, जो कि कंटिन्यू जो स्टोरी चलने वाली है वो 2023 तक चलने वाली है। और इसीलिए मूवी की टीम ने दो पोस्टर शेयर किए, जो कि अपने को कल टीजर में देखने को मिल गया, और जो कि 16 जनवरी को दूसरा कैरेक्टर देखने को मिला था, मतलब कि सेकंड लुक देखने को मिला था। तो भाई साहब अमेज़न प्राइम वालों वीडियो ने यही ट्वीट करते हुए बताया कि टोटल 500 साल का यहां पर एक स्टोरी होने वाला, जो कि प्रॉपर तरीके से सूर्या सर को दो कैरेक्टर में फिट किया गया है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर टाइम ट्रैवल भी देखने को मिल सकता है, मे बी गाइस ऐसा हो सकता है। तो भाई साहब यही अपडेट आज से मैंने 16 जनवरी को शेयर किया था। तो अब आ जाते हैं दूसरी अपडेट पर, जो कि मैंने भाई साहब आई थिंक 1.5-2 महीने पहले शेयर कर दिया था। तो गाइस अगर आपने कल सजल टीजर देखा होगा, तो वहां पर आपको एक मगरमच्छ की आंख देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रॉपर तरीके से एकदम मेंटेन किया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। उसी के बाद ये भाई साहब ये वर्ड देखिए कितना बड़ा वर्ड है। तो भाई साहब आज से मैंने मतलब कि मैं डेट भी कंफर्म कर देता हूं, तो भाई साहब वहां पर मैंने कितनी तारीख को बोला था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो भाई साहब जब बॉबी देओल का फर्स्ट लुक आया था ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि भाई साहब कल देखने को मिलेगा, यानी कि बॉबी देओल के बर्थडे के एक दिन पहले, मतलब कि 26 जनवरी को ये अपडेट शेयर किया था, जहां पर मैंने बोला था कि भाई साहब कंगुवा मूवी के अंदर अपने सूर्या सर क्रोकोटाइल यानी कि मगरमच्छ के साथ फाइटिंग सीक्वेंस होने वाला है। और ये छोटा मोटा फाइटिंग सीक्वेंस नहीं होने वाला है, काफी बड़े लेवल पे होने वाला है, काफी ह्यूज लेवल पे होने वाला है, जो कि काफी मतलब कि शॉक्ड करने वाला है इंडियन सिनेमा को, क्योंकि डायरेक्टर शिव ने भाई साहब इतनी तगड़ी प्लानिंग की है कि कोई एक्सपेक्ट क्या भाई साहब सोच से भी बाहर होने वाला है। तो गाइज मैं अभी भी बता रहा हूं, इस यहां पर सूर्या सर का काफी बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, और उस
क्रोकोटाइल का साइज काफी बड़ा होने वाला है और वो भाई साहब पानी के अंदर इतना डीपली एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जो कि अपने को थिएटर में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस ये अपडेट थे जो कि मैंने आज से 1.5 महीने पहले शेयर कर दिए थे, दो अपडेट यानी कि अपने ये टाइमलाइन का यानी कि स्टोरी का और दूसरा भाई साहब का ये क्रोकोडाइल के फाइटिंग सीक्वेंस का, टोटल 2 महीने पहले शेयर कर दिया था। हाँ तो गाइस काफी लोगों का डाउट होगा मेरे चैनल के बारे में, मेरी अपडेट्स के बारे में, और जिनका भी डाउट क्लियर हो गया ना तो भाई साहब अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि भाई साहब यहाँ जो अपडेट मिलती है ना मतलब कि 15 से 20 दिन पहले 1.5 महीने पहले ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जब वो ट्रेंड करती है उससे 1.5 महीने पहले हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं, सूर्या सर के फैन बताएं, कंगुबा मूवी के फैन बताएं कि इस मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है मेरी अश्योर अपडेट के बारे में, क्रोकोडाइल के फाइटिंग सीक्वेंस के बारे में, दो टाइमलाइन के बारे में जो कि कंगुबा मूवी में प्ले होने वाली है। अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।